बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। अभी जी सुबह का टाइम है और सुबह के तकरीबन 7:30 बजे हैं और हम अपना काम काज कर रहे हैं। आज है जुमा का दिन, आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और आज हाफ डे था, बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी और मानो को बुखार था, तो इस वजह से आज बच्चों की छुट्टी करवाई है। वैसे भी जल्दी आ जाते हैं और फ्राइडे में थोड़ा सा एक्टिविटी होती है, ज़्यादा कोई पढ़ाई खास नहीं होती, तो इस वजह से बच्चों को आज छुट्टी करवाई है। और मैं अभी अपने लिए बना रही हूँ चाय सुबह वाली, अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर काम करूँगी क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी सही नहीं है। चाय मेरी बन गई है और बाकी की जो भी रूटीन है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। बाकी सिस्टर भी काम कर रही हैं, मैं भी साथ मिलजुल के कर रहे हैं, बस काम वगैरह करेंगे, उसके बाद नाश्ता वगैरह जो भी डेली की रूटीन होती है हमारी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। बाकी मानो को देखें, इधर खड़ी है, इसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसको रात से ना बुखार हो गया था। ये इसके बालू रात को बाहर पड़े थे तो गीले हो गए हैं, अब ये ज़िद कर रही है कि इसको सुखा के दो, इनको धूप में रख दो, ये भी सूख जाएंगे जब। और बाकी के बर्तन वगैरह ये अभी साफ़ करने हैं, ये देखें ये दूध वाला बर्तन है, तो झाड़ू वगैरह भी अभी लगाएंगे। और इधर चाय मेरी बन गई है, चलो बंद कर देती हूँ। आज मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, देखिए हवा भी चली हुई है और बादल भी बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि बारिश हो गई, शायद बारिश हो, बादल हैं आज बहुत ज़्यादा। अभी जी थापियाँ इकट्ठी कर रहे हैं जो खुश्क हो गई थी, क्योंकि आज मौसम थोड़ा चेंज है, बादल आए हुए हैं तो ऐसा लगता है बारिश होगी शायद। ये देखिए अगर बारिश होगी तो फिर ये जो सूख गई है ना ये सारी ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए अम्मी जान ने कहा है कि इसको ना इनकी ना गठड़ी बांध के ना अंदर रखते हैं, तो सिस्टर अभी उठा रही है। ये देखें ये कल शाम को बनाई थी जो कोने में है, ये परसों बनाई थी। आज मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा हवा भी है और बादल भी हैं, हो सकता है बारिश हो जाए। बाकी का काम सारा हो गया, बस कपड़े धोने रह गए हैं और नाश्ता बनाना रह गया है, तो वो हम अभी करेंगे।
इधर जी हमारे जानवर भी अपना सुबह वाला घास खा रहे हैं, और ये देखें ये गाय अभी भी घास नहीं खा रही क्योंकि अभी भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। रात को भी इसको दवाई दी थी। और ये हमारी छोटी भैंस, इसको भी सिस्टर ने घास डाला है, पहले वाला इसने ख़त्म कर लिया था। और अभी फिर से धूप आ गई है, बादल भी हैं और धूप भी है। खा लो खा लो, ये देखें ये नहीं खा रही, आराम से ना ऐसे खड़ी हुई है, पता नहीं ये कब ठीक होगी।